आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली के जंतर मंतर पर नाराज पहलवानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। 12 दिन से ये सभी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन बीती रात जिस तरह से झड़प हुई है दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में, उसके बाद में लग रहा है कि अग्रेसिव अब ये धरना प्रदर्शन हो जाएगा और अग्रेशन का असर आज दिल्ली में दिखाई भी दे रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, वहां पर चेकिंग के बाद ही आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ प्रदर्शनकारी पहुँच ना जाएँ, या फिर पहलवानों के समर्थन में अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच गए तो फिर परेशानी हो सकती है। आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी मुझे भी इस तरह के बैरिकेड्स का सामना करना पड़ा, जहाँ पर बैरिकेड कुछ इस स्टाइल में लगाया हुआ था कि सिर्फ एक गाड़ी एक बार में निकल सकती है, जो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की देखरेख में ही आगे बढ़ती, जो भी सस्पिशियस लग रही थी उसे साइड में रुकवाकर चेकिंग की जा रही थी। जंतर मंतर पर जाने से रोकने की मंशा सिर्फ ये है कि ये मामला और ज़्यादा तूल ना पकड़े, बढ़े नहीं, क्योंकि दिल्ली NCR में बारिश हुई है बीती रात और बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पानी वहाँ पर भर गया जहाँ पर पहलवान रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। अब ऐसे में पहलवानों ने कहा कि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था और सोने के लिए जगह नहीं बची थी, ऐसे में हमने फट्टे मंगवाए थे। और इस पर सुनवाई करते हुए यानी कि उनकी बातों को सुनते हुए सोमनाथ भारती वहाँ पर फोल्डिंग बेड लेकर पहुँच गए थे, यानी कि वो फोल्डिंग जो कि घर घर में होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी फोल्ड करके रख दो या फिर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है, ऐसे फोल्डेबल बेड लेकर सोमनाथ भारती पहुंच गए थे। लेकिन यहीं से बवाल शुरू हो गया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। देखिए पहले और दूसरे दिन ऐसा था कि पहलवान बैठे हुए थे उनके बिल्कुल नज़दीक बैठकर या फिर उनके साथ बैठकर मीडियाकर्मी भी बात कर रहे थे और ये खबर दर्शकों तक पहुँचा रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन तक हालात बदले और चारों तरफ गोल बैरिकेड्स कर दिए गए, बीच में वहाँ नाराज पहलवान थे, हालांकि जो समर्थन के लिए पहुंच रहे थे वो उस बैरिकेड से पहुंच रहे थे उन तक, उनके साथ भी बैठ रहे थे लेकिन मीडियाकर्मी नहीं जा सकते थे। लेकिन अब जब बीती रात जो घटना हुई है, क्योंकि पहलवान कह रहे हैं कि नशे में थे दिल्ली पुलिस के जवान और बदतमीजी हमारे साथ की गई, धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज की गई और कल और साथ ही ये कहा कि लाठी डंडों से हमें पीटा गया है, जिसमें कि एक पहलवान के सर में गंभीर चोट आई है, दूसरे पहलवान को भी चोट आई है और ऐसे धक्का मुक्की के बाद ये जो पहलवान है ये और ज़्यादा नाराज हो गए हैं। आज सुबह जब लोगों का जुटना वहाँ पर शुरू हो गया, स्वाति मालीवाल को कल रात डिटेन कर लिया गया, सोमनाथ भारती और बाकी जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे उन्हें डिटेन कर लिया गया, सुबह सुबह जयंत चौधरी पहुँच गए, किसान संगठन के लीडर वहाँ पहुँच रहे हैं, जो गांव देहात के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी बदसलूकी हुई है, बर्दाश्त हम कतई नहीं करेंगे, और सुबह से वहाँ लोगों का पहुँचना जारी है। दिल्ली पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है। दिल्ली पुलिस कह रही है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, हालाँकि हम जाँच करेंगे। अब इस बीच गंभीर बात यह है कि ये सभी नाराज पहलवान ये कह रहे हैं जो मेडल्स हमें मिले हैं, जो सम्मान हमें दिया गया है पुरस्कार के तौर पर, वो पुरस्कार और मेडल हम सरकार को वापस करने के लिए तैयार हैं और हम वो सरकार को वापस करेंगे। गुस्सा इस बात का है कि एक तरफ आप अवार्ड देते हैं, एक तरफ आप मेडल जीतने पर बधाई देते हैं, सम्मान देते हैं और फिर ये बर्ताव हमारे साथ होता है, हम देश के लिए खेले हैं, हमने देश के लिए मेहनत की है, हम मेडल्स जीत कर लाए हैं, अगर हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है तो और लोगों के साथ क्या बर्ताव होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नाराज और फूट फूट कर रोते हुए भी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को देखा गया है। लेकिन आज सुबह एक सुर में सबने ये कह दिया है कि मेडल्स और वो पुरस्कार हम वापस सरकार को करेंगे जो हमारे नाम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है तो। ये एक बड़ा स्टेप होगा नाराज पहलवानों के जरिए, अभी भी सरकार की तरफ से अगर कोई मनाने नहीं आता है, बात करने नहीं आता है या फिर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ही कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि महिला पहलवानों की शिकायत तो दर्ज कर ली गई है, FIR दर्ज हुई है लेकिन अब तक बयान कुछ उनका नहीं हुआ है, गवाही नहीं ली है और इसीलिए पहलवान कह रहे हैं कि सिर्फ हमें सिर्फ टरकाया जा रहा है, टालम टोली इस मामले में हो रही है और इस लापरवाही के लिए हम यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं, अगर कार्रवाई हो गई होती तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? 12 दिन हो गए हैं अब देश के नाम मेडल जीतने वाले इन पहलवानों के जरिए, जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करके आए हैं, लेकिन ये दिन उन्हें देखने पड़ रहे हैं अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने पर। उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए और आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का तो उस मेडल का हम क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे, जो अवार्ड भी है जो मेडल भी हमने जीते हैं वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है,
लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को, शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की रोड पे बैठ के दया की भीख मांग रही है, और किसी के कानों में अब तक रू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार से करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आई, उन्होंने आपसे पूछ रहे, उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए आईओ अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट पे मैं वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर अपने बयान वापस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, मिस वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर। भैया सुनो सुनो, पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिला दो, हम कौन सी हमारा कैरियर हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठे होती तो आप राजनीति मुद्दा करते हैं क्या? आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटे यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम आईटी सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी, उसी टाइम आईटी सेल एक्टिव हो गई थी, बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, आईटी सेल वाले ने कुछ और बोल दिया, उनके लोग तो भी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में, उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। रात को एक आदमी इधर घुसा, जैसे कुछ सामान लेके भागा इधर से, जैसे मैं बोली कि अब रुको रुको रुको, वो भाग लिया स्पीड से उधर से हमारे थे। अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था उसमें, वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था, वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में।